प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स का ही चैप्टर नंबर आपका 8 है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉलिड। तो ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपका 8.4 देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। तो प्यारे बच्चों देखो, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, द यंग मॉडुलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील। तो प्यारे बच्चों देखिए, अगर हम आपका एक रबड़ है और एक आपका स्टील है, और अगर हम रबड़ पे आपका सपोज 5 न्यूटन फोर्स आपका अप्लाइड कर रहे हैं, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखिए सपोज ये आपका कोई रबड़ आपका है ना, ये आपका रबड़ है, और सपोज आपका कोई स्टील है आपका, ये है ना, ये कोई आपका स्टील है, और हम दोनों में बेटा क्या कर रहे हैं आपका 5 न्यूटन फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। इट मींस हम इस पे 5 न्यूटन फोर्स का क्या अप्लाइड कर रहे हैं, स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों मुझे बताओ कि जनरल लाइफ में बताओ क्या होगा, रबड़ में ज्यादा स्ट्रेन आएगा या आपका स्टील में ज्यादा स्ट्रेन आएगा, मतलब कौन ज्यादा खींचेगा। तो बेटा जैसे हम 5 न्यूटन फोर्स लगाते हैं इसमें, तो हम लोग बेटा क्या देखते हैं आपका ये, तो देखिए आपका ये अभी इतना एक्सटेंड हो गया, पहले इतना था अभी इतना एक्सटेंड हो गया। और स्टील में बताओ बेटा 5 न्यूटन फोर्स में कितना होगा, ये बहुत कम होगा बेटा, क्या होगा देखो आपका ये बहुत कम। तो देखिए इसमें आपका जो आपका स्ट्रेन है आपका है, तो स्ट्रेन जो आपका है किस में, रबड़ में, वो किस में आपका क्या है ज्यादा है बेटा, किससे आपका स्ट्रेन ऑफ आपका स्टील का, है ना। इट मींस अगर हम सेम आपका स्ट्रेस लगा रहे हैं तो डैट केस में स्ट्रेन बेटा किस में ज्यादा दिखाई दे रहा है हमको, रबड़ में दिखाई दे रहा है। तो इट मींस जो आपका ये स्टेटमेंट है आपका फर्स्ट द यंग मॉडुलस, है ना, तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला बेटा क्या होता है आपका, वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो प्यारे बच्चों बताओ इसमें स्ट्रेन किसका ज्यादा है, स्ट्रेन देखिए रबड़ का ज्यादा है, तो इट मींस वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पर इसका यंग मॉडुलस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट मींस यंग मॉडुलस ऑफ रबड़ क्या होगा, लेस देन यंग मॉडुलस ऑफ स्टील। तो बेटा ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है आपका ये, द स्ट्रेचिंग ऑफ ए कॉइल इज डिटरमाइंड बाय इट्स शेयर मॉडुलस। तो प्यारे बच्चों देखो इसमें क्या, सपोज आपकी कोई कॉइल आपकी है, है ना, ये आपकी कोई कॉइल है आपकी, और अगर हम इस पे आपका कोई फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, सपोज इसमें कोई फोर्स आपका हमने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करा, तो प्यारे बच्चों क्या होगा इसके साथ, तो देखो ये क्या होगा, थोड़ी स्ट्रेस हो जाएगी, है ना। तो बेटा क्या देखो, थोड़ी सी आपकी ये आपकी थोड़ी सी क्या देखो आपकी ये, देखिए आपकी स्ट्रेस होगी, है ना। कॉइल स्प्रिंग स्ट्रेस नाइदर इट्स लेंथ और नॉर इट्स वॉल्यूम चेंज, देन इट्स ओनली चेंज इट्स शेप। तो प्यारे बच्चों देखो इसको स्टेटमेंट को मैं सही कर देता हूँ आपका, देखिए जैसे हम इसको देखो आगे बढ़ा रहे हैं, तो देखिए इसका लेंथ बढ़ रहा है और देखिए साथ में क्या इसका एरिया घट रहा है, है ना। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या इसका L इंटू A का जो रेशियो होगा बेटा ऑलवेज क्या रहेगा आपका, कॉन्स्टेंट रहेगा वो बेटा, क्या रहेगा इसका कॉन्स्टेंट रहेगा। तो इट मीन्स इसकी शेप तो चेंज हो रही है, लेकिन इसकी लेंथ बढ़ाने पर इसकी एरिया घट रहा है। देखिए इसका जैसे हमने इसकी लेंथ बढ़ा दी, इसकी एरिया घट, लेकिन इसका वॉल्यूम बेटा ऑलवेज करेगा कॉन्स्टेंट रहेगा। इट मीन्स जो फोर्स है वो क्या कर रहा है यहाँ पर आपका, इसकी शेप को क्या कर रहा है, इसको चेंज कर रहा है। तो शेप बेटा, और देखो शेप चेंज होने के साथ साथ इसका वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है ना, आपका जो शेप आपका है वो आपका चेंज हो रहा है, लेकिन बेटा क्या इसका वॉल्यूम क्या देखिए कॉन्स्टेंट है, इसका जो वॉल्यूम क्या देखा आपका कॉन्स्टेंट। जब बेटा प्यारे बच्चों जब ऐसी कंडीशन आएगी जब हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका शेप चेंज हो रहा है लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे इसका शेयर मॉडुलस निकालेंगे। तो यहाँ पर इसका बल्क मॉडुलस नहीं निकालेंगे हम लोग, हम इसका यंग मॉडुलस नहीं निकालेंगे, हम बेटा क्या फाइंड करेंगे इसका, इसका शेयर मॉडुलस हम लोग इसका फाइंड करेंगे। तो प्यारे बच्चों इट इज ऑल अबाउट द दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों क्लास 11 के फिजिक्स के सभी चैप्टर्स के नोट्स हमारी वेबसाइट www.parhimalaya.com पे अवेलेबल है। तो प्यारे बच्चों अगर आप मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों मस्त रहिए, खुश रहिए और फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।